नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके लिए मैं हूं कुणाल गोयल। आज हम शहीद स्मारक पर आए हुए हैं और शहीद स्मारक पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहां पर राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने हड़ताल की हुई है। अब जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर, क्या परिचय है आपका? मैं महेश यादव, संस्थापक राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ। 2012 में परमानेंट भर्ती हुई, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री जी का बहुत बढ़िया विजन था, लेकिन फार्मासिस्ट 11 वर्षों से अपनी मांगों के लिए अभी तभी जूझ रहे हैं, बार बार डिमांड करते हैं, पर अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। पहले तो फार्मासिस्ट को 3600 ग्रेड पे दी गई है, जबकि 4200 ग्रेड पे मिलनी चाहिए थी। दूसरे, आज तक एक भी तरह का वेतन भत्ता जो सभी संवर्ग को मिल रहा है, फार्मासिस्ट को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सरकार को बार बार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड भेजते हैं, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए फार्मासिस्टों में ज़बरदस्त रोष है और सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगें पूरी करें, वरना हम और भी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए स्वयं प्रशासन जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। सर, क्या परिचय है और क्या आपकी आने वाले समय में मांगे? अभी तक सूरा राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत प्रदेश अध्यक्ष। हमारी प्रमुख मांगे, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हम पिछले 11 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार अनदेखी कर रही है। हमारी प्रमुख मांग है अलाउंसेज। फार्मासिस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में एक ऐसा संवर्ग है जिसे किसी भी प्रकार का वेतन भत्ता दे नहीं है। न तो उसे कोई मैस अलाउंस मिलता है, न उसे कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, न उसे कोई स्पेशल अलाउंस मिलता है, न धुलाई भत्ता मिलता है, न वर्दी भत्ता मिलता है। जबकि मेडिकल डिपार्टमेंट में जैसे अन्य संवर्ग रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और नर्सेज हैं, उनको सभी प्रकार के भत्ते दे हैं, और यहाँ तक कि सरकार उनके भत्तों में वृद्धि भी कर रही है। हमारा किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के अलाउंस नहीं दिए जा रहे। और दूसरी मांग हमारी वेतन विसंगति है। वेतन विसंगति हमारी फार्मासिस्ट का एंट्री ग्रेड पे लेवल 4200 चाहते हैं हम। तीसरी मांग हमारी पदनाम परिवर्तन की है। अभी हाल ही में हमने एक दिवसीय धरना फरवरी माह में किया था, लैब टेक्नीशियन ने भी हमारे साथ ही किया था। थोड़े दिन पहले लैब टेक्नीशियन का पदनाम परिवर्तन कर दिया गया है, जैसे नर्सेज का भी कर दिया गया है। फार्मासिस्ट को उसमें भी अनदेखा किया गया है, जो कि गैर वित्तीय मांग है। हम चाहते हैं कि फार्मासिस्ट को फार्मेसी ऑफिसर और सीनियर फार्मासिस्ट को सीनियर फार्मेसी ऑफिसर किया जाए। चौथी मांग हमारी फार्मासिस्ट की जो भर्ती है 3067 पदों की, हम चाहते हैं कि वो आदर्श आचार संहिता से पूर्व की जाए। पांचवी मांग हमारी जो अभी हाल ही में डीपीसी हुई है, उस हाल ही डीपीसी में अभी कुछ प्रकार की कमियां हैं, उनको सुधारते हुए 817 के पद पर पदोन्नति आदर्श आचार संहिता से पहले उनकी पदोन्नति की जाए। छठी मांग हमारी जो ऑफलाइन रिकॉर्ड का है, सभी जगह हमारी वार्ता हुई कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट के अंदर, विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि आप इसे ऑनलाइन में एक कमेटी के जो मिनट्स आए थे उसमें लिख दिया कि ऑनलाइन करें, परंतु आदेश किसी प्रकार का पारित नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि उसको भी ऑनलाइन किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, और अगर सरकार से सुनवाई नहीं होती है, हम 15 तारीख को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उसके बाद में भी अगर क्रियान्वित नहीं हुई हमारी मांगों पर, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में अगर मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उस विभाग के आला अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी। ये हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को हम ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं, जल्दी हमारी मांगों पर गौर फरमाएं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल राजस्थान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी हैं। गजेंद्र सिंह से जानेंगे कि क्या है यहाँ पर पूरा मुद्दा और किस तरह से उनकी आने वाले समय में क्या मांगे रहने वाली है और फार्मासी संघ से किस तरह से उनका जुड़ाव हुआ है। सर, क्या है पूरा मामला? कर्मचारी महासंघ एकीकृत का संगठन है फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ। हमारे 42 संगठन है, उनमें से एक फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ है, और ये फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ पिछले कई वर्षों से अपने नाम परिवर्तन, सेवा नियम और पदोन्नतियों के लिए धुलाई भत्ता, वृद्धि भत्ता, ये सारी चीज़ों को लेके और नई भर्ती करने के लिए कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने जन घोषणा पत्र 2018 में कर्मचारियों की कल्याण के लिए कई बिंदु रखे थे, जिसमें वेतन विसंगति मुख्य बिंदा था, और उस वेतन विसंगति को लेकर सरकार ने वादा किया था। जो अपना घोषणा पत्र है उसको सरकार ने अपना सरकारी दस्तावेज बनाया था, उसके बावजूद भी आज भी वेतन विसंगति जैसी की तैसी है, पदनाम परिवर्तन जैसे के तैसे, कमेटियां गठन की, कमेटियों का कार्यकाल पूरा हो गया, ना कार्यकाल के बाद में ना कमेटियों की रिपोर्ट को उजागर किया गया,
तो इस बात को लेकर राजस्थान के आम कर्मचारी, फार्मासिस्ट नहीं आम कर्मचारी इससे नाराज है। और मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं, या तो ये घोषणा पत्र लागू करें, घोषणा पत्र घोषित नहीं करें और घोषित करने के बाद उसे पूरा लागू करें, क्योंकि ये घोषणा पत्र राजस्थान की सरकार का दस्तावेज है, राज्य सरकार का दस्तावेज बना दिया, उसके बावजूद भी लागू नहीं किया। अभी आप देख रहे कई संगठन ऐसे हैं जो अपने पदनाम परिवर्तन और ग्रेड पे रिवाइज, ये सारी चीज़ों को लेके और राजस्थान की सरकार के सामने पिछले कई दिनों से संघर्ष करें, पर राजस्थान सरकार है जो ज्यों की त्यों असर नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ अगर राजस्थान की सरकार ने इन फार्मासिस्टों के नाम परिवर्तन और जो ग्रेड पे रिवाइज और इनका जो अलाउंसेज के भत्ते जो घोषणा नहीं की, तो ये आगामी आने वाले समय में शीघ्र ही ये सामूहिक हड़ताल पे जाने के लिए तैयार है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ शीघ्र इनकी मांगों को पूरा करें। सर, जैसे कि आपने बताया कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें से कितनी घोषणा को पूरा किया और कितनी को नहीं पूरा, अभी तक पूरा नहीं किया हुआ है? निश्चित मानिए राजस्थान की सरकार जो चुनावों से पहले पार्टी घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को मैं समझता हूँ। आप बताइए कि जैसे वेतन विसंगतियाँ आज तक वैसी की वैसी है, कमेटियाँ बनी नहीं, इन्होंने कहा था कर्मचारियों के टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाएगा, वो आज तक नहीं किया गया। संविदा कर्मचारी उन्हें नियमित करने का वादा किया था, वो नहीं किया। कुछ लोगों को संविदा रूल्स में लिया गया, परंतु आंगनबाड़ी कर्मचारी उनको भी इसमें लिया गया था, परंतु आज तक उनके साथ भी वही शोषण हो रहा है। तो राजस्थान की सरकार ने जो कांग्रेस का घोषणा पत्र 2018 है उसको आप अगर देखेंगे तो इस घोषणा पत्र को जैसे के तैसे पड़ा है। अब घोषणाएं क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, जो चीज़ें हैं वो सबको पता है। ये तो ये थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी संघ के कुछ लोग और राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के लोग, जिनका हार्ड ड्यूटी भत्ता, मैस भत्ता, ऐसी कई मुद्दों पर यहाँ पे उन्होंने आज हड़ताल की हुई है। अब दिखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले समय में उनकी कितनी मांगें पूरी होती हैं। कैमरा जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।